हेलो फ्रेंड्स, टॉक टू हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हेल्पर एमडी साबान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पर फेसबुक लिंक्स वगैरह और सोशल मीडिया लिंक्स और वेबसाइट लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मेरा यूट्यूब पेज खेलते हैं मोबाइल ऐप में, तो आप यहाँ पर अबाउट में जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीन चार लिंक देखने के लिए मिल जाती हैं आपको मेरे चैनल से रिलेटेड। फिर जहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक की लिंक है और वेबसाइट की लिंक है। और अगर आप डेस्कटॉप पर व्यू करते हैं और ऐसा व्यू आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का मिलता है देखने के लिए, हमारा मेरे लिंक्स फेसबुक इंस्टाग्राम और वेबसाइट। तो बस आज की इस वीडियो में यही बताऊँगा। और वीडियो पर आने से पहले बता दूँ कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मतलब ये हमें कमेंट किया था हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका चैनल है टेक बंगला नाम से, देख सकते हैं। इन्होंने पूछा, भाई कैसे आप चैनल के अबाउट एफबी पेज में लिंक वेबसाइट लिंक ऐड करते हैं। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे हो सकेगा तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब वीडियो पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टॉक टू हेल्पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे आप ये ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन है मेरा ऑलरेडी, तो पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ सब कुछ और खोलूँगा youtube.com। तो मेरे देख सकते हैं मेरे में डायरेक्ट वो डेस्कटॉप व्यू खुल गया है। पहले मैं मोबाइल में करके आपको टोटली स्टेप शुरू से बताता हूँ। देख सकते हैं ऐसा आपके में पेज खुलेगा, आप अपनी आईडी से लॉगिन कर लें। तो मेरे टॉक टू हेल्पर पे तो पहले से ही काफ़ी लिंक्स ऐड है, मैं एकदम फ्रेश चैनल पे आपको बताता हूँ ऐड करके। समझ लीजिए ये एक चैनल मैंने ले लिया मेरा, इसमें मैं आपको ऐड करके बताऊँगा कि लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एक भी लिंक अभी कोई भी ऐड नहीं ऐड है। मैं अब यहाँ से जो ऊपर थ्री डॉट हैं इन पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर पूछेगा किससे ओपन करना चाहते हैं, तो मैं क्रोम कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप व्यू खुल जाएगा यूट्यूब का। तो अब कुछ नहीं करना आपको, आप अपने आईडी से लॉगिन करने के बाद डेस्कटॉप व्यू ओपन कर ले। वहाँ से अब यहाँ पर ऊपर मैं इधर क्लिक करूँगा मेनू आइकन पर और माय चैनल पर जाऊँगा। तो माय चैनल पे आने के बाद देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब मैं जाऊँगा अपने चैनल आर्ट पर एक बार क्लिक करूँगा। अगर आप एंड्रॉयड से क्लिक कर लें, पीसी और डेस्कटॉप पे हैं तो वेरी वेल, बहुत बढ़िया, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। अब इस पेंसिल वाले पर क्लिक करके, इस पेंसिल वाले पे क्लिक नहीं करना है आपको। अगर आपका चैनल अभी तक आपने कस्टमाइजेशन ऑन नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स पर जाएं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी थी। और उसके बाद कस्टमाइज द लेआउट पर क्लिक करके सेव कर दें। तो यहाँ से अब आपका चैनल पूरा तरीके से कस्टमाइज हो गया है। यहाँ पर आप जो भी अपना ऐड करना चाहते हैं, अपलोड्स वगैरह, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं क्या दिखाने देना चाहिए। तो उसके बाद सिंपली फिर से एक बार चैनल आर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर पेंसिल पर आइकन पर क्लिक कर दीजिए और एडिट चैनल, चैनल आर्ट नहीं, चैनल लिंक्स करना था आपको। यहाँ से इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एडिट लिंक्स पर क्लिक करूँगा। तो एडिट लिंक्स पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं लिंक्स का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पर लिंक्स पर क्लिक करूँगा प्लस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूछ रहा है ओवरले फर्स्ट 5 कस्टम लिंक्स ऑन चैनल आर्ट, मतलब कितनी लिंक्स आप अपने चैनल आर्ट पर दिखाना चाहते हैं। तो मैक्सिमम 5 है तो 5 ही रहने देते हैं। एक इधर ऐड पर क्लिक करके मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ एफबी पेज। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर यूआरएल अपने फेसबुक पेज का जो भी एड्रेस है यूआरएल, वो आप एंटर कर दीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जल्दी जल्दी फेसबुक पेज का अपने यूआरएल facebook.com/talktohelper। और यहाँ पर करने के बाद मैं इस पर ये हो गया एक। अगर दूसरी लिंक ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं वेबसाइट लिख दूँगा अपनी और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दूँगा। देख सकते हैं ये मैंने करा talktohelper.com और डन कर दूँगा। तो ये कुछ बता रहा था, URL यू हैव प्रोवाइडेड इज नॉट वैलिड एज https://facebook.com/talktohelper। तो मैंने यहाँ पर शायद से कुछ मिस्टेक कर दिया है इसको एंटर करने में। तो पहले मैं HTTH को स्मॉल कर देता हूँ।
एच को स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू लगा देता हूँ, www.facebook.com। और अब एक बार डन करके देखता हूँ, शायद से अब हो जाए। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग दे रहा है, मैंने कैपिटल ये स्मॉल एल लगा दिया। और अब डन कर देता हूँ, तो अब देख सकते हैं फेसबुक पेज ऐड हो गया है हमारा, और यहाँ पर वेबसाइट ऐड हो गई, इधर ऐसा दिखा रहा है। और अगर ऊपर की तरफ चैनल आर्ट पे देखूँ तो यहाँ पर भी एफ बी पेज आ गया है और ये आ गया है। तो इसी तरीके से आप और भी बाकी इंस्टाग्राम और गूगल प्लस ट्विटर की अपनी ऐड कर सकते हैं लिंक्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ा मतलब यूज़फुल होगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो जल्द ही बना दूँ। तो मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।